All right, beta, today we are going to start a very interesting chapter which is directing. ठीक है, सारे बच्चों ने बहुत ध्यान से पढ़ना है directing को. वैसे तो directing की बहुत सारी definitions आपको बहुत सारे authors की लिखी हुई मिल जाएंगी. But today I am going to teach you the basic and the most simple definition. ठीक है, but उससे पहले हम directing का मतलब समझते हैं. सबसे पहले जब भी हम कोई कंपनी बनाने का डिसीजन लेते हैं, कोई भी काम करने का डिसीजन लेते हैं, द फर्स्ट स्टेप इज टू बिल्ड अप अ प्लान. हमने प्लान बनाया, प्लानिंग की, ठीक है, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन. उसके बाद उस प्लान को करने के लिए, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए जो रिसोर्सेस हमको चाहिए वो हम लेकर आए ऑर्गेनाइजिंग के स्टेप में, जिसमें हमने स्ट्रक्चर बनाया प्रॉपर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर, सारा स्ट्रक्चर हमने तैयार कर लिया. उसके बाद हमने क्या किया बेटे, उसके बाद हमने अपने स्टाफ को रेडी किया. यानी कि पहले हमने देखा कि क्या जरूरी स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में है या नहीं. फिर अगर नहीं है तो हमने रिक्रूटमेंट की, फिर उनको सिलेक्ट किया, फिर ट्रेनिंग दी, फिर उसके बाद बेटा हमने उनके परफॉर्मेंस को चेक किया, उन्हें प्रमोशन और करियर प्लानिंग दी और एंड में कॉम्पनसेशन भी दी. स्टाफिंग को पूरा करने के बाद अगला स्टेप है डायरेक्टिंग. देखिए बेटा, अब स्टाफ भी आके खड़ा हो गया हमारे साथ, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा. एक फिल्म की शुरुआत तब होती है जब डायरेक्टर बोलता है एक्शन. एक कंपनी में भी काम तभी शुरू होता है जब क्या होता है, मैनेजर क्या करता है, डायरेक्टिंग का फंक्शन परफॉर्म करता है. आज आपके घर में एक मेड आती है, क्या उस मेड को पता है एग्जैक्टली काम कैसे करना है, सफाई कैसे करनी है, या मशीन को कैसे ऑपरेट करना है, या बर्तन धोने हैं तो बर्तन कैसे धोने हैं? कुछ नहीं पता. आपके घर में जो आपके घर में फैमिली मेंबर्स हैं वो जाएंगे उस मेड को डायरेक्ट करेंगे कि देखो ये काम है, तुमको ऐसे करना है, यहां से ये चीज उठानी है, डस्टिंग का ये कपड़ा है, ब्रूम ये है, मॉपिंग के लिए ये कपड़ा लेना है. तब जाके वो मेड आपके घर को चकाचक साफ सुथरा कर देगी. कर देगी कि नहीं? बिल्कुल राइट. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में आज आपका पहला दिन है, आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या काम कैसे परफॉर्म करना है? जब आपका सुपीरियर, आपका मैनेजर आकर आपको डायरेक्ट करेगा कि भाई ये तेरी जॉब है, तुझे ये करना है. सिर्फ यही नहीं बेटा, सिर्फ ये नहीं कि पहला दिन हुआ और पहले दिन डायरेक्टिंग होती है, नहीं. जैसे फिल्म जब बननी है तो डायरेक्टर तो आकर रोज ही एक्शन बोलेगा, वो तो हर सीन के पहले एक्शन बोलेगा, उसी तरीके से मैनेजर भी हर एक्टिविटी में आपको डायरेक्ट करेगा. तो डायरेक्टिंग का मतलब हुआ इंस्ट्रक्शंस देना, गाइड करना, और सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा. हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो अपने घर से ना जाने किस मूड में आते हैं. हो सकता है किसी के घर में कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी चल रही हो तो वो उस ट्रेजेडी के बारे में सोच रहा है. हो सकता है किसी के घर में कोई शादी चल रही हो तो वो तो दिन रात शादी के बारे में ही सोचे जा रहा है. जब वो लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेप रख लेते हैं ना, तब उनको सिर्फ और सिर्फ कंपनी के गोल के बारे में सोचना चाहिए. मेरी जिंदगी में चाहे 100 चीजें चल रही हूं, जब मैं अकेडमी में पैर रखती हूं तो मेरा ध्यान होता है मेरे गोल की तरफ कि मुझे बच्चों को आज क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या होमवर्क देना है, क्या चेक करना है, सब कुछ. समझ में आ रही है बात? तो जो मैनेजर होता है ना कंपनी का, वो गाइड करता है, वो इंस्ट्रक्ट करता है बेटा, वो मोटिवेट भी करता है, वो लीड भी करता है. ठीक है, पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द गोल्स. इज दैट क्लियर टू यू? तो सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस नहीं देनी, इंस्ट्रक्शंस नहीं देने, मोटिवेट भी करना है. अब मोटिवेट कैसे होता है एम्प्लॉई? लालच से. बचपन में याद है हमारे मम्मा पापा ने कोई भी काम निकलवाना होता था वो कैसे निकलवाते थे? लालच से. तेरे को फोन चाहिए, चल इस क्लास में ये रैंक लाके दिखा, इतनी परसेंटेज लाके दिखा. सबके साथ ये चीज हुई है ना? तो उस वक्त आपके पेरेंट्स पता है क्या कर रहे थे? वो आपको मोटिवेट कर रहे थे. मोटिवेशन दी जाती है किसी लालच के द्वारा. अब ये लालच किस प्रकार के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव. फाइनेंशियल इंसेंटिव पैसे दे के मोटिवेट कर रहे हो, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव बिना पैसे दिए भी मोटिवेट कर सकते हो. ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज को दोनों टाइप के इंसेंटिव दिए जाते हैं. इस चैप्टर में आप डिटेल में करने वाले हो, लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ ये दिमाग में बिठा रहे हैं कि डायरेक्टिंग है क्या. तो डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मोटिवेटिंग, लीडिंग पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द गोल्स. आपको क्या लग रहा है बेटा, हमारे देश की सरकार है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है ना, वो सबको ना लीड करते हैं, बाकी सारे मिनिस्टर्स को. समझ रहे हैं आप लोग? तो उनके जितने भी मिनिस्टर्स हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, जितने भी और मिनिस्टर्स हैं, वो सबको लीड करते हैं कि हमने अपने सिटीजन्स के लिए अच्छी से अच्छी पॉलिसीज लेकर आनी है, अच्छे से अच्छा काम करना है. क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? अगर नरेंद्र मोदी जी अच्छा लीड कर रहे हैं हमारे देश को, तभी तो बेटा हमने देखा इतनी सारी प्रोग्रेस हो रही है,
हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये जो लीडरशिप की क्वालिटी होती है मैनेजर के अंदर, ये होनी भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर एक मैनेजर अच्छा लीडर है, एक मैनेजर है देखो, वो आता है काम पे, उसकी कोई नहीं सुनता, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, जिसने जो काम नहीं करना नहीं करना। किसी को 6 बजे पार्टी पे जाना है, वर्क टाइम 7 बजे कंक्लूड हो रहा है, लेकिन वो बोल रहा है मैं 6 बजे जा रहा हूं क्योंकि मुझे पार्टी पे जाना है। क्या उसने उस वक्त ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ज्यादा ऊपर रखा या अपनी पार्टी को? पार्टी को ऊपर रख के चला गया वो तो। लेकिन अगर उसका मैनेजर, उसका लीडर अच्छा होता तो वो उसे क्या समझाता, अभी तो नहीं जा सकता क्योंकि फिलहाल तू यहां बैठ, ऑर्गेनाइजेशन का टास्क अचीव कर, उसके बाद तुझे जहां जाना है तू जा। यही डायरेक्टिंग है बेटा, यही डायरेक्टिंग है। आप लोगों का पढ़ने का मन नहीं करता, मैं बार बार आपको समझाती हूँ कि बेटा ये 12th के नंबर कहाँ काम आने हैं, ये हमारा एंट्री टिकट है एक अच्छे कॉलेज में। एक अच्छा कॉलेज यानी कि बेहतरीन 3 साल, यानी कि आगे बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटीज, है ना। पास्ट में मैंने बच्चों को पढ़ाया, वो सिम्बॉयसिस गए हैं लॉ करने के लिए, वो गए हैं पुणे, ठीक है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, वो गए हैं मुंबई नारसी मुंजी में। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मेरे स्टूडेंट्स इतने दूर दूर जाते हैं और वहां से मैसेज ड्रॉप करते हैं कि मैम यहाँ का एटमॉस्फेयर देखकर मजा आ गया, आपने बहुत अच्छा गाइड किया था, शुक्र है हम लोग जो है बाहर निकले, हमने अच्छे से एग्जाम्स क्लियर किए, इंटरव्यूज क्लियर किए, आज हम इन कॉलेजेस में बैठे हैं। और आपको क्या लगता है बेटा, इन कॉलेजेस के बाद आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? बड़ी बड़ी कंपनीज जहां पर वो इंटरव्यू देंगे, आगे जॉब करने के लिए जाएंगे। तो ये 12th आपका क्या है, ये एंट्री टिकट है एक अच्छे कॉलेज के लिए। समझ रहे हैं आप इस बात को बेटा? ठीक है, तो अब समझ में आया, जो मैंने उन बच्चों को मोटिवेट किया तो उन्होंने आगे और अच्छी पढ़ाई की, फिर उसके बाद वो अच्छे कॉलेजेस में गए। तो एक अच्छा मैनेजर क्या करता है, वो ऑर्गेनाइजेशन में अपने सबॉर्डिनेट्स को गाइड करता है, उनके सबॉर्डिनेट्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के तो गोल्स अचीव करते ही करते हैं, लेकिन साथ ही अपने खुद के गोल्स भी अचीव कर लेते हैं। तो अब एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं डायरेक्टिंग की डेफिनेशन। Directing refers to the process of instructing, guiding, motivating, leading people in an organization for the achievement of goals. क्योंकि एंड में तो घूम फिर के हमने वहीं पहुंच जाना है, for the achievement of goals. ठीक है, directing refers to the process of guiding, motivating, leading people in an organization to achieve the goals. फटाफट से बेटा notebooks निकालेंगे।